तो मैं जस्ट अभी इसमें कनेक्शन कर रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना आज एक टॉपिक क्लियर करते हैं कि भाई पीसीबी। अब पीसीबी जानते तो हम सभी लोग हैं कि इसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं, हमारे कंप्यूटर, हमारा मदरबोर्ड, टेक्नोलॉजी दुनिया में सभी जो है वो पीसीबी से कंट्रोल होता है। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि पीसीबी के टाइप क्या होते हैं, मतलब पीसीबी कितने तरह की यूज़ की जाती है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर पीसीबी हम कितने तरह के यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पीसीबी मैं यहाँ पर लिए हुए हूँ, ये है एक सिंगल साइडेड, और सिंगल साइडेड पीसीबी का ये है एक जनरल पर्पस पीसीबी जो कि एक कॉमन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी फाइबर ग्लास की एक प्लेट होती है जिसके ऊपर से ये एक इंडक्टर मटेरियल की कोटिंग की जाती है, यानी कि इंडक्टर मटेरियल की लेमिनेटिंग की जाती है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपर की आप लोगों को लेमिनेटिंग नज़र आ रही होगी। यहीं से हम कॉम्पोनेंट को ऊपर से डालते हैं और बाद में नीचे से सोल्ड कर देते हैं, तो ऐसे हमारा एक सर्किट बोर्ड तैयार हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा एक मदरबोर्ड तैयार हो जाता है। तो अब आप लोगों को ये बताते हैं कि हम कितने तरह के पीसीबी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये तो हो गया एक सिंगल साइडेड पीसीबी, लेकिन हम आज के टाइम पर जो मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर हमारे कंप्यूटर्स हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो हम डबल साइडेड पीसीबी का यूज़ करते हैं। वैसे तो तीन तरह के पीसीबी होते हैं, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड और तीसरा होता है मल्टी लेयर पीसीबी। फिलहाल तो हम यहाँ पर आप लोगों को सिंगल साइडेड और डबल साइडेड पीसीबी का ही दिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं ये है एक सिंगल साइडेड पीसीबी जिसमें आप लोगों को होल नज़र आ रहे हैं। लेकिन आजकल के टाइम पर जो SMT टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, इसमें आप जो कंपोनेंट देख रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं सब बोर्ड के यानी पीसीबी के ऊपर ही सोल्ड कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं, और ये एक डबल साइडेड पीसीबी, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड हम कंपोनेंट को लगाते हैं। यही पीसीबी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से हमारा पीसीबी जो है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, और हमारे जो पीसीबी के सर्किट बोर्ड का साइज होता है वो भी छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पीसीबी है, ये आर्डिनो नैनो का सर्किट बोर्ड है, जहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ कि आखिर पीसीबी जो है वो किस तरह के यूज़ किए जाते हैं। अब जो थर्ड वाला आता है मल्टी लेयर पीसीबी, मल्टी लेयर पीसीबी में तीन लेयर्स होती हैं, जो कि हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा उनका यूज़ नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर जब काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों को कंप्यूटराइज सिस्टम से उन्हें चलाने की बात आती है, तब हम मल्टी लेयर पीसीबी का यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि सिंगल साइडेड, मल्टी लेयर और डबल साइडेड पीसीबी का यूज़ क्या होता है। आप लोगों को डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इन डॉट्स में हम जो है कंपोनेंट डालते हैं और नीचे से सोल्ड कर देते हैं, और बाकी नीचे की जो वायरिंग करनी होती है वो हमें खुद से करनी पड़ती है, यानी कि खुद से सोल्डरिंग करके करनी पड़ती है। लेकिन जो रोबोट से डिज़ाइन की जाती है, यानी कि रोबोटिक हेल्प से जो पीसीबी डिज़ाइन की जाती है, उनमें जो आप लोग देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, इसके अंदर जो वायरिंग की गई वो सभी अंदर के अंदर एक छोटी छोटी लाइनें बिछाई जाती हैं, यानी लाइनों की हेल्प से ये कनेक्शन आपस में जुड़ते हैं। इसका किसी एक दूसरे से कहता कनेक्शन, एक कंपोनेंट का दूसरे साथ कनेक्शन जो है वो अंदर ही अंदर रोबोट जो है वो इसे डिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन इन जो जनरल पर्पज़ पीसीबी होती हैं, इन्हें हम लोग जो मिस्त्री लोग होते हैं, टीवी ठीक करते हैं, या फिर जो लोग कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए यही पीसीबी यूज़ की जाती है, क्योंकि ये जो पीसीबी होती है वो आसानी से हम जो इन्हें सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं और आसानी से इन्हें बना भी सकते हैं। इन पीसीबी को बनाने के लिए रोबोट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हें मशीन से ही बनाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो महीन महीन वायर बिछाई जाती है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी ये छोटी छोटी लाइनें, इसके पीसीबी के अंदर जो है यही लाइनें बिछाई जाती हैं, ताकि एक कंपोनेंट का कनेक्शन दूसरे के साथ हो पाए। आज के टाइम पर जितने भी पीसीबी में कंपोनेंट लगाए जाते हैं या फिर पीसीबी डिज़ाइन की जाती है, वो आज के टाइम पर प्रोग्रामिंग की हेल्प से, रोबोटिक्स की हेल्प से डिज़ाइन की जाती है, ताकि हमारा समय बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पीसीबी जो है वो डिज़ाइन हो जाए। तो ये जो पीसीबी है उसे डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन कुछ इस तरह के जो पीसीबी होते हैं इन्हें रोबोट्स बनाते हैं, इन्हें रोबोट डिज़ाइन करते हैं, और रोबोट्स ही इनके ऊपर कंपोनेंट को बिठाते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो हमारा काम है वो रोबोट्स की हेल्प से इन पीसीबी को जल्दी से जल्दी डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो ऐसे जो है वो एक सर्किट बोर्ड अच्छे से बन पाता है। और हम मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में सिखाया कि आखिर पीसीबी क्या होता है और कितने तरह का होता है। तीन तरह का होता है, सिंगल लेयर, डबल साइडेड और मल्टी लेयर पीसीबी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितने तरह के पीसीबी होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय।